Gee, that's quick. 150 k's. It's a rare thing even in international cricket. Oh, it's bowled in. Fantastic delivery. Chopped on. It's been a dream debut. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने टीम इंडिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। कम समय में सैनी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की लाइनअप की जान बन गए हैं। लेकिन सैनी का टीम इंडिया तक का यह सफर इतना आसान नहीं रहा। जब मिले थे एक मैच के केवल 200 रुपए, रणजी ट्रॉफी में सैनी दिल्ली के लिए खेलते थे। हालांकि वह हरियाणा के करनाल से हैं। Fantastic delivery. यही नहीं, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब सैनी को करनाल में लोकल टूर्नामेंट में खेलने के 200 रुपए प्रति मैच मिलते थे। इतना ही नहीं, साल 2013 तक सैनी लेदर बॉल क्रिकेट नहीं बल्कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे। सैनी की पेस नजर में आई। दिल्ली के पूर्व मीडियम पेसर सुमित नरवाल ने करनाल प्रीमियर लीग के दौरान सैनी को देखा तो वो उनकी गति से काफी आकर्षित हुए। सैनी का अगला पड़ाव दिल्ली टीम का नेट सेशन रहा। यहां उन्होंने पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर गौतम गंभीर को अपनी बॉलिंग से आकर्षित किया। गंभीर ने उन्हें दो जोड़ी जूते दिए और नेट पर लगातार आने को कहा। यहीं दिल्ली क्रिकेट से सैनी की पहचान शुरू हुई। गौतम गंभीर का अहम रोल। पूर्व रणजी कप्तान ने चयनकर्ताओं को सैनी को रणजी टीम में लेने का सुझाव दिया। 2013 और 14 के सीजन में सैनी टीम में चुन भी लिए गए। यहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 और 18 के सीजन में दिल्ली को फाइनल तक पहुंचाने में सैनी का अहम रोल रहा। वह 8 मैचों में 34 विकेट लेकर टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी रहे। आईपीएल में मिला मौका। नवदीप के प्रदर्शन ने उन्हें आईपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। आरसीबी के लिए खेलते हुए सैनी ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और आरसीबी और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने उन्हें टीम इंडिया की टिकट दी और नीली जर्सी पहना दी। इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक। नवदीप ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। इस मैच में उन्होंने करिश्माई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 17 रन देते हुए 3 विकेट झटके थे। उन्होंने अब तक 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिनमें 6 विकेट झटके हैं।